आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। और ये गुलाब जामुन मैंने बनाया है पनीर से। तो सबसे पहले हमको चाशनी की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कटोरी चीनी ली, उसके साथ में 1.5 कटोरी यहाँ पे पानी डाल दिया। पानी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और उबलने के बाद मैंने थोड़े से केसर डाला और इलायची को कूट के अच्छे से उसको डाल दिया। इसको मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने के बाद में इसको बंद कर देंगे। हम ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी चाशनी को। उसके बाद मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है। इसको घिया का से इस तरह से करके और हथेली की सहायता से इस तरह से आपको अच्छे से मैश कर लेना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और बेकिंग सोडा, इनको भी डो के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, एक बार डो के साथ में मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी डाल रहा हूँ इसमें मोटे वाली सूजी, ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको ये अपने अंदर सोक कर लेगी। तो यहाँ पे हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे गुलाब जामुन तोड़ लिए और यहाँ पे फ्राई करने के लिए रिफाइंड यूज़ कर रहा हूँ। एक बार थोड़े से 2 गुलाब जामुन डाल के आप देख लें, फट तो नहीं रहे। उसके बाद हम बिल्कुल लो टेम्परेचर पे हम डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। देखो कितने अच्छे तरह से फूल गए हैं।